नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर फार्माकोविजिलेंस, इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो यूनिट सेकंड का आज हमारा 9th लेक्चर होगा, इससे पहले हम 8 लेक्चर देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिसोर्स इन फार्माकोविजिलेंस। पहले हम जो ड्रग डिक्शनरीज है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज हमारा ये टॉपिक होगा। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, जहाँ भी जहाँ से अपन को ड्रग रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं इसके टाइप कितने हैं। तो बेसिक ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, मतलब कि जो भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक ड्रग की खोज से लेकर लास्ट में मार्केट में आने तक जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन रिसोर्सेज से हम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं का टाइप है। तो बेसिक ड्रग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है प्राइमरी रिसोर्स, सेकेंडरी रिसोर्स, टर्सरी रिसोर्स और इंटरनेट रिसोर्स, कंज्यूमर हेल्थ इन्फॉर्मेशन और लास्ट में अदर और भी जो भी कोई आता है इसके अलावा वो आ जाएगा। तो ये क्या फ्लो चार्ट क्या बना हुआ है कि आपको एग्ज़ाम में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस टाइप से इस क्लासिफिकेशन को लिखना है, बेसिक ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड इंटरनेट और अदर, ऐसे इसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब देख लेते हैं फर्स्ट प्राइमरी सोर्स क्या होंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन के। तो प्राइमरी सोर्स में क्या है, प्राइमरी सोर्स आज ओरिजिनल मटेरियल, जो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होगी ड्रग के, किसी भी ड्रग्स के जो खोज के टाइम स्टार्टिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। ऑन विच अदर इज बेस्ड इज इंक्लूड जनरल आर्टिकल ऑफ ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं एंड पेटेंट्स हैं, जो पेटेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिया गया है वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आएंगे। सेकेंडरी सोर्स में क्या है, सेकेंडरी सोर्स एनालाइज इवेलुएट इंटरप्रेट रीपैकेज, मतलब कोई भी उसकी प्रोडक्ट का मतलब मार्केट में आ गया है और उसके ऊपर और अदर खोज जो हो रही है उसके एनालिसिस हो रहा है, इवेलुएशन हो रहा है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। रीपैकेज समराइज एंड रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय रिसर्चर इन द प्राइमरी लिटरेचर, जो भी इन्फॉर्मेशन है प्राइमरी लिटरेचर के बाद जो रिसर्चर्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं वो सेकेंडरी के अंदर आती हैं। जैसे इसमें रिव्यू जर्नल्स हो गए, रिव्यू आर्टिकल्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, जो भी है उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी ड्रग रिलेटेड सेकेंडरी सोर्स के अंदर। थर्ड है हमारा टर्सरी सोर्स। टर्सरी सोर्स में क्या होगा, या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी प्राइमरी और सेकेंडरी की वो दोनों मेंशन होगी। टर्सरी सोर्स कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन विच हैज़ कलेक्टेड एंड डिस्टिल्ड, मतलब जो दोनों सोर्स से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होगी और इसको मतलब इसमें इंटरप्रेशन किया जाएगा। दे प्रेजेंट समरी ऑफ द इंट्रोडक्शन टू द करंट स्टेट ऑफ रिसर्च एंड टॉपिक समराइज और कंडेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनका जो भी डाटा है उसको एक समराइज फॉर्म में इसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा जो टर्सरी सोर्स है इसके अंदर। लास्ट है हमारा इंटरनेट रिसोर्सेज। अब इंटरनेट पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर ड्रग की इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। इसमें टू टाइप्स हैं, प्राइमरी रिसोर्स और सेकेंडरी रिसोर्स। फर्स्ट में क्या है, पब्लिश्ड मेटा एनालिसिस रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऑब्जर्वेशन ट्रायल एंड केस रिपोर्ट, जो केस रिपोर्ट स्टडीज होती हैं पेशेंट्स की वो भी मेंशन होती हैं, तो वो इसके अंदर आएगी प्राइमरी जो इंटरनेट रिसोर्स हैं क्योंकि उनके डाटा ऑलरेडी अपलोड होते हैं। सेकेंड है जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे पबमेड हो गया, मिडलाइन हो गया, उनका इसके अंदर यूज किया जाता है, तो क्या होता है कि इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रिसोर्स विच डिलीवर बिबिलियोग्राफिक एंड एब्स्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन, जो डाटा होंगे इसके अंदर पबमेड के अंदर या फिर मिडलाइन के अंदर, उनके अंदर बिबिलियोग्राफिक और जो भी रेफरेंस है उनका वो ऐड होगा और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ड्रग रिलेटेड वो ऐड होगी। अदर में देख लीजिए जैसे लाइब्रेरीज हो गई, रिसर्च एसोसिएशन हो गए, गवर्नमेंट बॉडी हो गई और जो पॉइजन सेंटर होते हैं उनके पास भी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये दोस्तों, आशा करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, जो भी टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं हमने सभी डिस्क